नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। पूर्णिमा मॉम्स किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मॉम्स किचन में बन रहा है अमर पीठा और उसके साथ खीर बनने का, जो कि दोनों एक साथ खाया जाता है। ये भाई दूज के अवसर पे बिहार में बहुत ही प्रचलित है, हर घर में ये डिश बनता ही है। तो मैं भी सोची कि आप लोग को ये डिश बता दूं कि कैसे बनता है। तो ये ग्लास से, हाफ ग्लास से कम मैं चावल ली थी, उसको 4 घंटा पहले अच्छी तरह से धो दी हूँ और उसको थोड़ा सूखने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा मुझे मिक्सर में चला के रबड़ी जैसा बनाना है। अब रही बात दाल का, इसे मैं हाफ ग्लास से थोड़ा अधिक डाल ली हूँ। इसे मैं 1 ग्लास पानी डाल दी और थोड़ा बनाने के टाइम में तेल डाल दीजिए, क्योंकि चना दाल है ना, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और उतना मीडियम से भी कम फ्लेम रखिए और ऐसा पके कि उसमें दाल जैसा नहीं हो। तो देखिए मेरा इस तरह का बन गया है। और मैं पीठा बनाने के लिए चावल का आटा ली हूँ, 500 ग्राम है। ये देखिए 500 ग्राम ये चावल का आटा है। यदि आपके पास पहले से है, घर में है, बना सकती हैं, कोई बात नहीं, मैं तो मार्केट से ली हूँ। तो पीठा बनाने का तरीका एकदम अच्छे से देखिए, अभी इतना मस्त लगेगा आपको पीठा खाने में कि आप कल्पना ही नहीं की होगी कि मीठा पीठा भी इतना अच्छा लगता है। तो अभी मैं खीर के लिए 1 लीटर दूध रख दी हूँ, जो धीरे धीरे ना बॉयल होगा। और खीर बनाने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कितना जल्दी बनता है। एक कढ़ाई या पैन ले लीजिए, ये 500 ग्राम चावल का आटा है। तो मैं इसमें इतना ही पानी लीजिए कि उसमें अच्छे से चावल को मिक्स किया जाए। ये देखिए 1 ग्लास पहले डाली, अभी 1 ग्लास डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाना है, इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल ले रहे हैं, इतना सा। देखिए अगर जरूरत लगेगा तो डालेंगे। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा बारीकी पानी में आने लगता है, उसी समय बूंदी बूंदी जैसा हो जाता है। तो उसमें अब समझिए कि पीठा का पानी तैयार हो गया है। और फ्लेम को एकदम मीडियम रखिए, एकदम सिम कर दीजिए, नहीं तो 1 ही गिलास निकाल लेती हूँ, जरूरत पड़े तो डालेंगे। ठंडा पानी से इसको नहीं करना है। देखिए इतना समय आटा, अभी मुझे जरूरत नहीं है तो 500 ग्राम में रख दे रही हूँ। उतना रहता तो ये भी पानी लग जाता, लेकिन अभी उसका हमको जरूरत नहीं है। ऐसा ही चावल मिक्स करना चाहिए। अब मैं गैस को पूरी तरह बंद कर दी, इसको मैं अभी नीचे उतार लेती हूँ। और सेफ्टी के लिए मैं तो बोलूंगी कि थोड़ा गर्म पानी निकाल के रखना चाहिए, यदि आपको जरूरत लगे तो फिर उसको उसमें डाल दीजिए, तो इसका अच्छा से डो तैयार कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट काम कर रही हूँ। ये चावल को आप ओखली में भी कूट सकते हैं, मिक्सर में भी चला सकते हैं, इसमें थोड़ा मेहनत कम लगेगा। और मैं दिखा रही हूँ कि किस किस तरह का ऐसा खीर बनाकर खाइए। 1 लीटर दूध ली हूँ, आपको जितना लगे उतना लगाइए, उतना ही दूध में बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही लीटर में बनेगा, 1/2 लीटर में भी बन जाता है। इसको थोड़ा सा एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा कि खीर है कि रबड़ी है। देखिए थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, इसमें दाना दिख रहा है ना, हल्का हल्का। अब हाथ से टच करेंगे तो पता चलेगा, इसे थोड़ा और अधिक रहे तो भी अच्छा है, लेकिन मेरे घर में इसी तरह का लोग पसंद करते हैं। इसमें अब जो दाल है उसको भी मिक्स कर लेना है। इस तरह दाल को उसमें मिक्स कर लेना है। बॉयल करते वक्त उसमें हल्दी और नमक डाली हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए और इसको ऐसे मिक्स कर देना है। मैं उसे भूल गई थी, अभी तो इसको बॉयल होना है, तो कोई परेशानी का बात नहीं है कि मिक्स कैसे होगा। देखिए कितना मिनटों में खीर तैयार होने वाला है। दूध में उबाल आ गया तो डाल दी इसको, इतना मस्त बनता है। अभी ये देखिए आटा ठंडा हो गया है, इसमें हाथ डालने से
जलेगा नहीं, ये थोड़ा गर्म रहेगा तभी करना है। हाँ जलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा गर्म जरूर रहना चाहिए, नहीं तो फिर इसका अच्छा डो तैयार नहीं। और कच्चा पानी में घुल के भी नहीं करेंगे, नहीं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वैसे आप भी पानी का अपना अंदाज लेके कीजिएगा। पहले थोड़ा पानी निकाल लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा आज मुझे कम बनाना था, नहीं तो 500 ग्राम में 2 गिलास अपना मेजरमेंट देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है। तो ये भाई दूज के अवसर पे जरूर बनाइए। कुकर में मैं इतना पानी ली हूँ, आप पतीला में भी बना सकते हैं। अभी मैं गैस को ऑन कर रही हूँ, इसमें जब बॉयल हो जाता है पानी तो डालना है, तब तक मैं पीठा को बना रही। अभी बिना रबड़ लगाए हुए इसका वासर नहीं लगाई हूँ क्योंकि अभी पानी इसमें बॉयल होना है, मैं लॉक नहीं कर रही हूँ कुकर को। इसे मैं एक जुड़ी कहानी बता रही हूँ, पौराणिक कहानी है। भाई दूज के दिन अमर पीठा क्यों खाया जाता है, इसको ऐसे लेकर सर्कल बनाना है और इसका भी एक अपना तरीका है कि पीठा को कैसे बनाना है। इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे प्रेस कीजिए और इसको देखिए, इसको ऐसे करना है। मेरे यहां तो बच्चे लोगों को बहुत पसंद है। इसी तरह करके मैं रेडी करके आपको दिखा रही हूं। जब बाबू कुंवर सिंह फिरंगी को उनको मार के भगाना था तो वो गंगा जी के पास चले हैं। वो जगदीशपुर गांव के हैं, आप भी शायद हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़े होंगे। तो वो जब जा रहे थे युद्ध पे फिरंगी सबसे लड़ाई करने के लिए, यही अमर पीठा खाकर आए और 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने फिरंगियों को मार भगाया। उनकी ये सफलता देखकर उसी समय से ये प्रथा प्रारंभ हो गया है कि भाई दूज के दिन अमर पीठा जरूर ही खाएं और अमर होके वापस आए। पानी देखिए इस तरह बॉयल हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है क्योंकि ये इसलिए डालना है, अभी डालें जरूर क्योंकि एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। अभी यहाँ देखिए मेरा पूरा पीठा रेडी हो गया है, अब इसको मैं एक एक करके डाल रही हूँ। थोड़ा फ्लेम कम कर रही हूँ क्योंकि हाथ पे छीटा नहीं आ जाए। ऐसे देखिए बिना वाशर का लगाई हूँ, इसमें सीटी वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। बॉयल हो जाएगा तो बस उसको उतारना। गैस मैं बंद कर दी हूँ। देखिए ऐसे बॉयल ना जाता है तो खीर, ये खीर बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। इसको बंद कर रही हूँ। ये जितना मैं चावल ली थी उसे थोड़ा कम शक्कर ली हूँ। एक चम्मच नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, मेरे घर में बच्चे लोग यही पसंद करते हैं और आपके घर में जो जैसा बच्चा का डिमांड होगा आप वैसा ही डालें, वही फ्रूट्स डालें ड्राई, कितना यम्मी। तो ये अमर पीठा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप भी जरूर भैया दूज के अवसर पे बनाइए। जय हिंद जय भारत।